अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो जी आज हम थोड़ा सा निकले हैं आउटिंग के लिए बाहर। तो आज हमारे साथ कौन कौन जा रहा है वो मैं बता दूंगी आपको। आज हम लोग थोड़ा सा जा रहे हैं घूमने के लिए, और मैंने जो लिपस्टिक लगाई वो है ग्लैम अप की, जो मैंने उस दिन आप लोगों को दिखाई थी। अगर आप लोगों के इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसका कोड जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हो। बहुत अच्छे ऑफर्स आ रखे हैं, बहुत अच्छी सेल भी लगी हुई है, ऑफर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप लोगों को इस तरीके की लिपस्टिक चाहिए, ऐसा शेड आपको पसंद आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी नंबर इसका और कोड दे दूँगी, ठीक है। और सर्दी बहुत पड़ रही है और हम नहीं जा रहे थे, बट अनु का और मिनास का बहुत मन है कि अभी बाहर चलना है बाहर चलना है। तो फिर हमने सोचा चलो अनु की क्लास आउटिंग और हो जाती है, क्योंकि अनु जा रही है अपने घर पे। तो हमने सोचा चलो आज एक लास्ट फिर से आउटिंग हो जाए फाइनल वाली। तो चलो चलते हैं, और शाम के बज रहे हैं 6, तो चलो चलते हैं। अच्छा जी, तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं अड्डा। एक्चुअली मैं डिनर करने वाली थी अनु और माजिद का, मिनास का, तो उन लोगों ने बोला कि नहीं बाजी हमें ना मोमोज खाने हैं, बाहर जाके कुछ खाना है। मैंने कहा ठीक है चलो, अगर आप लोग घर में कुछ नहीं खा रहे हो, और मेरी भी थोड़ी तबीयत थोड़ी नासाज थी, तो मैंने कहा चलो बाहर आउटिंग पे चलते वहाँ कुछ खिला देंगे। तो अनु को तो फ़िलहाल खाने थे आंटी मोमोज, वहाँ के बहुत फेमस है नोएडा में अड्डा में। तो बच्चों को भी फिर हम लोग ले गए, चलो जी आउटिंग हो जाएगी। तो अनु के और मिनास को बहुत मतलब दिल से, हाँ दिल से खाने थे उन्हें मोमोज, कह लेंगे हमें आपकी दावत नहीं, हमें तो बाहर की दावत खानी है आज। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर आ चुके हैं सबके लिए मोमोज, और वेज मोमोज हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद थे, तो यहाँ बच्चों के लिए आ गए मोमोज। और माजिद के लिए उनको चिल्ली पटाटो खाने थे, मोमोज इतने कोई खास उन्हें पसंद नहीं है, फिर उनके लिए चिल्ली पटाटो आ गए थे। तो हमारी ये आउटिंग बहुत अच्छी रही, अच्छा लगा, क्योंकि 10-15 मिनट में ही प्लान बन गया जाने का, क्योंकि मैं तो गई थी बोलने के लिए कि नहीं मैं खाना बनाऊंगी, आप लोग आना घर पे खाने के लिए। आप वो अच्छे नहीं करते, गंदी बात होती है नूना। अच्छा क्या बोल रहे हो आप, बोलो। मज़ा आया था, हाँ। तो यहाँ पर बस फिर कोल्ड ड्रिंक ले ली थी, पानी ले लिया था। बच्चों को जब तक कोल्ड ड्रिंक ना मिले तब तक मज़ा नहीं आता, उनको कितना भी समझा लो कि ठंड है या कुछ भी है, बट मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहती हूँ, कोल्ड ड्रिंक और ये आइसक्रीम वगैरह। हाँ अगर चाय कुछ होता तो फिर हम पीते भी। और मैंने माजिद से बहुत कम, मैंने कहा चलो माजिद गोलगप्पे खा लो, कॉम्पिटिशन करेंगे गोलगप्पे का, लेकिन माजिद कुछ नहीं खाते, बहुत शाई फील करते हैं वो कुछ भी नहीं खाते, हम उनसे ना इसी बात के लिए परेशान हैं। बट जब भी माजिद आते हैं अच्छा बहुत लगता है उनके साथ, टाइम कहाँ चला जाता पता ही नहीं चलता। और यहाँ आ चुके हैं गर्मा गर्म चिल्ली पटैटो, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, और बहुत अच्छे बने हुए थे चिल्ली पटैटो। और मोमोज का तो खैर कोई जवाब ही नहीं, आप लोग एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा चिल्ली पटैटो और मोमोज खाने के लिए नोएडा में, अट्टा बहुत फेमस है यहाँ पर। और फिर उसके बाद आ जाती है हमारा देसी तड़का टिक्की का। तो मैंने आज कह लेंगे अभी टिक्की भी खानी, मैंने कहा जो मर्जी है खा लो, क्योंकि भाई मैं तो घर में भी बनाती आप लोगों के लिए, अब आप बाहर आए हो तो आपका जो दिल करे खा लो। तो फिर यहाँ पर चल रही है टिक्की, हालांकि मैंने आज सिर्फ
हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि मनाज ने वैसे सिर्फ और सिर्फ एक बाइट खाई थी, टिक्की भी अन्नू ने, बच्चों ने और मैंने खाई थी, क्योंकि टिक्की बहुत औसम थी और मनाज को बहुत पसंद है। लेकिन सारी दुनिया एक तरफ और मनाज के आलू के पराठे एक तरफ, तो घर पे बने थे आलू के पराठे, तो उसको बहुत ही जोर शुरू से यही था कि अभी बस हमें थोड़ा थोड़ा चखा देना, बाकी हम पेट नहीं भरेंगे। तो इन भैया ने टिक्की बनाई थी, बहुत औसम, मज़ा आ गया था मतलब टिक्की खा के। और सर्दियों में अच्छा लगता है टिक्की खाना और गर्मियों में अच्छा लगता है दही भल्ले खाना, तो ये मेरा मानना है। बाकी अपना अपना, सबको जैसा जो अच्छा लगे आप लोग वो खाइएगा। तो बस यहाँ पर हमारी टिक्की यमी यमी सी तैयार हो रही है। उसके बाद हमने पैक करा लिए थे गोलगप्पे और भल्ले पापड़ी, तो वो भी बहुत औसम थे। मतलब हर चीज़ में ना मज़ा आता, और सर्दियों का तो मतलब ये सब चीज़ें ना सर्दियों का खाने की जान है। तो आ जाइए आप लोग भी बड़ी टाइम टाइम सी टिक्की खा लीजिए मज़ेदार सी। और मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है वही जोर करते वक्त। तो यहाँ पर खड़ी है पूरी फैमिली, अन्नू, माजिद और आयजा। तो बस यहाँ पर हमारे बच्चे खड़े हुए हैं और ये तैयार हो रहे हैं भल्ले पापड़ी की प्लेट, और गजब से ये भी बहुत अच्छी थी। और भाभी को भी मज़ा आया खा के, मम्मा को भी बहुत मज़ा आया खा के। ये लोग नहीं गए थे, ये लोग घर पे ही थे, हम लोग सब चले गए थे। तो बस यहाँ पर हमारा टिक्की के बाद अब बच्चों की फरमाइश थी आइसक्रीम खाने की। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सर्दी हो या गर्मी, इन बच्चों की आउटिंग पूरी नहीं होती जब तक इनकी ट्रीट में या इनकी आउटिंग में आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक शामिल ना हो। तो बस बच्चों का दिन था, मज़ा आ गया, और इस तरीके की आउटिंग होनी भी चाहिए। मिनाज ने कहा बहुत ज़्यादा, मिनाज तो जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह प्रेफर करती हैं, तो कहने की कभी चलो ये भी अच्छा लगता है। मैंने कहा हाँ बेटा, ये सब भी बहुत अच्छा लगता है, रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा तो मुझे यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रीट फूड जो होते हैं ना, वो खाना मुझे बहुत पसंद है। बाज बोल रही है सारी दुनिया एक तरफ और बाज के पराठे एक तरफ, और इसलिए वो आइसक्रीम नहीं खा रही है। और मैंने कोई पराठे का कोई शपथ नहीं है, मेरा कुछ ऐसा नहीं है, पर तो मुझे इतनी पसंद नहीं है आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें मैंने त्याग दी हैं। ये शुगर ने मुझे सब त्यागवा दिया, तो मैं इसलिए ये सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहती हूँ। हाँ भले ही टिक्की हम खा लेते हैं, तो बस यही है, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। ये सारे बच्चे नहीं 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 आप खाओ खाओ, और सबसे ज़्यादा तो मेरी अल्फू इंजॉय कर रही है, बहुत इंजॉय कर रही है अल्फिया, मज़ा आ रहा है। और अन्नू और माजिद हमारे साथ आए हैं, हमने उनको खिला पिला दिया है, थोड़ा सा हमने उन्हें क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए दिया है, तो वो एक छोटी सी वॉक पे गए हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। हाँ बेटी जल्दी जल्दी खा लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और ये हमारे साथ अन्नू की लास्ट आउटिंग थी, अब फिर पता नहीं कब अन्नू का आना होगा और फिर हमारी आउटिंग होगी, लास्ट आउटिंग इस सीज़न की, इस सीज़न की लास्ट आउटिंग। हाँ इंशाल्लाह फिर वो कभी आएंगे तो देखेंगे। और बुलबुल को हम बहुत 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 मिस कर रहे हैं, मार्क्स उतार दो ना, यहाँ कोई नहीं पकड़ेगा, देख मैंने चालान कर दिया है हम तो। ओह हम आपसे दूर हट जाएंगे ना, हमने मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। नहीं ये मेरी लिपस्टिक शुगर ग्लैमअप वाली है, ये खराब नहीं होने वाली है। तो जी हम आ चुके हैं घर पर और बड़ा अच्छा लगा। आपू कैसा रहा? वाव लगा, वाव लगा। आपू को दिखाओ, मैं आपू कैसी लग रही है? अच्छा 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 अच्छा, नहीं दिखा रही, नहीं दिखा रही, नहीं दिखा रही। आपू सेम सेम है। अच्छा अच्छा मुझे बात तो करने दो, मैं फिर दिखा दूंगा वरना आपको। तो जी हम आ चुके हैं घर पे और इनायत भी आ चुकी हैं, थोड़ी सी अनइजी सी लग रही है, पता नहीं क्यों। मैं फिर अब कैमरा साफ करूँ। हाँ अब सही लग रहा है ना?
बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा और टिक्की वाज ऑसम, मतलब मजा आ गया टिक्की खा के। और आंटी मोमोज बहुत फेमस है नोएडा में, अट्टा गए थे हम लोग तो बस खा पी के चिली पटाटो वगैरह सब हम खा पी कर आए, बड़ा मज़ा आया। और माजिद को भी बहुत अच्छा लगा, हम लोग लेके गए थे उनको, मैंने कहा चलो घर पे मुझे खाना बनाना था तो थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमने कहा चलो यहाँ नहीं खा रहे कुछ तो बाहर खिला के लेकर आती हूँ, तो बस मैं बाहर उनको आउटिंग पे लेके गई थी, कुछ खिला पिला के हम ले आए हैं बड़े मज़े करके। अभी हन्नू और माजिद गए हुए हैं ज़रा मुमानी से मिलने के लिए, ज़ेबा वगैरह से मेरे मामू से मिलने के लिए, फिर वो लोग आ जाएंगे। तो अभी आसिफ जी भी नहीं आए, आएंगे तो थोड़ा सा हम लोग नाइट में फिर कुछ करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। चलो जी, अगर हो सका तो इस व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी व्लॉग को, अगर नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं एंड कर देंगे। और जो लोग कह रहे थे कि रेसिपी का, तो मैंने हलीम की ना कोई रेसिपी नहीं बनाई है, मतलब रेसिपी शूट नहीं करी थी, बस थोड़ा बहुत ही ऐसे ही था तो इसलिए। और बिरयानी की रेसिपी मुझे देनी थी तो वो चीज़ थी। और एक सरप्राइज़ और है आप लोगों के लिए, अल्लाह से बस दुआ कीजिए मेरा वो काम हो जाए, मैंने अल्लाह से लॉ लगा रखी है कि अल्लाह मुझे वो चीज़ दिला दे तो जैसे ही हो जाएगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर अपनी वो खुशी शेयर करूँगी जिसका मुझे बेहद इंतज़ार है, बेहद। तो बस इंशाल्लाह वो टाइम भी आएगा, अपना टाइम आएगा। तो चलो जी, अभी फ़िलहाल हम रखते हैं। और अप्पू देखो, दिखाऊँ अप्पू को? अच्छा चलो चलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं, ठीक है, बाय 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 बाय। ओ दिख गया वो।